अरे ये तो हमारे कमरे में था, अचानक सारक के इधर कैसे आ गया? इधर आई कैसे? चलो चलो ताकि जरा देख के आते कैसे क्या हो गया। जाइए जाइए आप सब जाइए। मुझे ऐसा लगता है। अरे अरे तुम सब लोग भी चलो ना, मैं अकेले जाऊंगा क्या उधर? चलो सब लोग चलो, सब लोग चलो, आ जाओ। हे भगवान, प्रभाकर कहीं भांडा ना फोड़ दे। ये जरूर ताऊ की प्रेत आत्मा का काम है, इसमें उर्मिला वहिनी का कोई हाथ नहीं है। सत्यानाश। सत्यानाश? अगर ताऊ जी की प्रेतात्मा आ गई है इस घर में तो इस घर का सत्यानाश हो जाएगा ना। हाँ। चलिए ना, चलिए चलिए। हाँ, हाँ, चलिए चल चल, सब लोग चलो, आप ही सब लोग चलो। ये एक मिनट, ये डंडा अपने आप यहाँ आया कैसे? जरा दे। चलो चलो बाबा चलो। हाँ, सब लोग चलो चलो चलो, चलो सब लोग जाते चलो, सब लोग जाते चलो 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 जाते अभी सब लोग, अभी सब लोग ही जाते। हे भगवान, इनके दिमाग में ताऊ की प्रेतात्मा भटक रही है ऐसा शक डलवा दे। उसके अन्नो कितने डरते हैं तुम लोग। वो देखो ताऊ की तस्वीर का कार्ड टूटा हुआ है। शाबाश। शाबाश? मंजू वो क्या वो क्या शगुन शगुन? अच्छा शगुन, कांच का टूटना अच्छा शगुन होता है ना, इसलिए बोली मैं शाबाश। अच्छा हुआ कांच टूट गया, अच्छा शगुन हो गया। चलो अभी हम सब लोग के लिए आई क्या धक्का। भाई 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 ताकि हम सबको पता चले कि ये दीवार है। मेरा शास्त्री रामानुजन। अन्ना ये डिवोर्स लिखा है, डिवोर्स। डिवोर्स? यानी कि तलाक। पता है डिवोर्स का मतलब तलाक होता है, ये पता है अन्ना को? अंगूठा छाप नहीं है तुम्हारे ससुर? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ससुर को अंगूठा छाप कहते हुए? निर्मिति निर्मिति, तुमसे ये आशा नहीं थी मुझे। तू गप्पा बस रे केशव, आओ ताऊ जी जरूर कुछ संदेश देना चाहते हैं। शायद वो ऐसा पूछ रहे हैं कि डिवोर्स, गोखले परिवार में डिवोर्स हो रहा है। बरोबर बोली, बरोबर बोली जोशना। लेकिन ताऊ और अंग्रेजी, उन्हें तो सख्त नफरत थी ना अंग्रेजी से। बरोबर बोली गायत्री, बरोबर बोली गायत्री। वो मैं अंग्रेजी से नफरत करता हूँ, वैसे वो भी अंग्रेजी से नफरत करते थे, मेरी कॉपी करते थे, वो हमेशा मुझे आदर्श मानते थे मेरी ताऊ। फिर भी ये तो ताऊ ने ही लिखा है। हाँ? इसमें ताऊ की आत्मा का ही हाथ है, उर्मिला बहनी का नहीं। अरे उर्मिला बहन को क्या बिग बिग में ला रहा है बार बार? जरूर मेरे मम्मी पापा ने ही किया ये सब। बरोबर है गायत्री, उन्होंने ही ये छड़ी ऐसी सरकाई होगी यहाँ से। आहो लेकिन ये छड़ी तो अभी अभी आई ना, और अगर ये सब उन्होंने किया होता तो वो यहाँ रहने चाहिए थे ना। कहाँ है वो लोग, देखिए तो है कहीं? है कोई जवाब तेरे पास? है जवाब है गायत्री तेरे पास? हमेशा बेचारे तेरे मम्मी पापा पर शक करती रहती है। ये लिखाई का रंग तो ताजा है, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। ताऊ ताऊ। लेकिन ताऊ अंग्रेजी में? अरे स्वर्ग जाके सीखी होगी, स्वर्ग में कुछ अंग्रेज लोग मिल गए होंगे उनको। बस 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 करो, दूसरा कुछ भी मत बोलो, स्वर्ग में मात्र मराठी मानुष को प्रवेश मिलता है। बरोबर, तो फिर नर्क में चक्कर लगाने गए होंगे ताऊ अंग्रेजी सीखने के लिए। सुना है कि स्वर्ग में ज्यादा लोग नहीं होते, तो कंटाला आता होगा बैठे बैठे। जो भी हो लेकिन उर्मिला वहिनी निर्दोष है। माना कि नारी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन गप्पा बस रही तू प्रभाकर। अच्छा मान लो
की ही उर्मिला वहिनी ने ये काम किया है, लेकिन वो ये सब क्यों करेंगी इतना तो सोच। इसका जवाब तो वही देंगी आई। सही कहा गायत्री ने, उन्होंने ये सब किया और फिर भाग गए होंगे। चलो जाके पकड़ते हैं। चलो चल ये डूब गया। आई आई ना आई वहिनी, चलिए बहुत काम पड़ा है। चलो चला चला चला। सब तसल्ली करने के लिए दुकान पे चले गए। माते अब कपाट में से बाहर आकर दर्शन दीजिए देवी। जीते रहो दादी बालिका। लवर गुटली, कैसा लगा मेरा प्लान? अरे सब सही था, सिर्फ ये डिवोर्स अंग्रेजी में क्यों लिखा तूने डिवोर्स? वो हड़बड़ी में दिमाग से निकल गया कि मराठी में लिखना चाहिए था दादी। गाड़ी पटरी पे से सरकते सरकते बची है बाड़ा। उस प्रभाकर को नाटक में शामिल ना करो तो दुख, और शामिल करो तो ज्यादा मुसीबत। मैंने सुना शक नहीं होता होगा तो भी महेंद्र अंकल और उर्मिला आंटी पे सबको शक जाएगा ही। अब बस दुआ करो वो लोग दुकान पे ही खड़े हो। है, वो लोग वहीं पर है और उसका सबूत भी वहाँ मौजूद है दादी। हो ना ये सब कुछ मेरे मम्मी पापा ही कर रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है गायत्री, है ना? लेकिन महेंद्र भाव और उर्मिला वहिनी तो दुकान पे है, और वो भी रोज के कपड़ों में। देखा देखा केशव कपाड़ करांटिया, मैं तो पहले ही बोला था कि ये लोग बेचारे ऐसा कर ही नहीं सकते। अन्ना भाग कर आ गए होंगे भी दुकान पर थोड़ी देर पहले, और अब ऐसा एक्टिंग कर रहे जैसे यहीं पर थे। अच्छे से जानती हूँ मैं इन दोनों को। बरोबर बोली तू गायत्री, सुना ए केशव कारटिया। प्रभाकर प्रभाकर सुना प्रभाकर कारटिया, अरे ये लोग है ही फरेबी लोग। वो दामाद जी की पिक्चर का वो गाना है ना, वो खलनायक के बारे में, बरोबर बंद बैठता है इन लोगों पे। कौन सा गाना? पुम पुम रिक्शा का हॉर्न बजे पुम पुम, सुबह को 9 बजे पुम पुम, रिक्शा में आए फरेबी फरेबी, सीधे हो जैसे जलेबी जलेबी, धोखा करेंगे पो जेबे भरेंगे पो, दुनिया की आंखों में धूल झोंकेंगे, धूं 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 धूं, पुम पुम रिक्शा का हॉर्न बजे पुम पुम, सुबह को 9 बजे पुम पुम। मैं ये कहना चाहता था कि ये लोग है ना ऐसा ही करने के काबिल है। अरे बीरे भी बोला मम्मी पापा। मम्मी पापा मैं अब वो पता चला ना, मींस के मैं मम्मी। हाँ हाँ उर्मिला पता चल गया, तू मम्मी मैं पापा और वो इनका वो पोता मोहनजोदार। उर्मिला बहन मंदार नाम है इसका, 100 बार बोलिए मंदार 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 बोलिए 100 बार। अन्ना शांत। मैं शांति हूँ। अरे मंदार वैसे तू इधर क्या कर रहा है और कभी से है तू यहाँ पे? मैं तो आधे पौने घंटे से यहीं पर हूँ महेंद्र अंकल और उर्मिला आंटी के साथ। सुना केशव सुना, ये तो यहीं पे है, तो तू क्या बोल रहा था महेंद्र भाऊ और उर्मिला भाई हमारे घर पे आए थे करके? कहाँ लाव्या मंदार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो उर्मिला आंटी ने मुझे बुलाया था, उनको मराठी सीखनी थी तो अभी उनकी लिखी हुई मराठी चेक कर रहा। अरे वाह 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 उर्मिला बहन, ये बहुत अच्छा किया आपने। अन्ना भाई मराठी तो हमें सीखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एकादशी के दिन आप हमारी बेटी गायत्री का तलाक करवा के दूर जो ले जाने वाले हो हमसे, तो आभार विधि हम मराठी में ही करेंगे। तुमने जो केलेला है ना त्याच्या मुळे तलाक झालेला आहे, आणि हम दोनों का संबंध तुटलेला आहे। आमची मुलीला आमच्या पेक्षा दूर बनाना बद्दल तुमचा आभार। बनाना नहीं केला। हाँ भैया ये बधु सेम हवे, केला बनाना दोनों सेम होता है ना, क्या बालकी खाल निकाल रहे आप महेंद्र।
वैसे ईमानदार तुम सही में यहाँ पर आधे घंटे से हो इन दोनों के साथ? गायत्री काकी, मैं यहाँ से हिला भी नहीं हूँ। तो फिर मैंने उर्मिला आंटी से बोला कि आप मंदार दादा से मराठी सीखने के बहाने उन्हें बैठा के रखे तो वो सबूत बने रहेंगे कि आप तो पिछले एक घंटे से दुकान पे ही हैं। अरे वाह, शाबाश बड़ा। अब सुन, आज रात को ना दादी एक कंकर से दो पंच उड़ाते हैं ना। मतलब गुड गाय, प्लान भी समझाइए और मेरा होमवर्क भी कीजिए। केशव पुत्री, तू मुझसे सारा? नहीं नहीं, सारा नहीं, हिस्ट्री का तो मैंने उर्मिला आंटी से करवा लिया। और ज्योग्राफी का मैंने नहीं किया तो? तो मैं कर लूंगी, लेकिन फिर होमवर्क में ध्यान गया मेरा और प्लान से ध्यान हट गया तो? ठीक है करती हूँ मैं। फिर क्या परीक्षा भी मुझे ही देनी पड़ेगी? नहीं नहीं, वो मैं दे दूंगी और क्लास में फर्स्ट भी आऊंगी। समझा समझा के थक गई हूँ मैं टीचर को कि मैं होमवर्क के बिना ही फर्स्ट आती हूँ। तू भी इतना डबल मजदूरी क्यों करवाता है? लेकिन बस 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 हुआ। अब ध्यान से सुन आज रात का प्लान। ठीक है जी, ये लीजिए पेंसिल। मंदार, उसे पैसे बीसे तो नहीं ना दिए हैं इन गुजराती लोगों ने झूठ बोलने के लिए? अन्ना, अक्षय, मेरे संस्कारों पर हस्त उठाकर आपने मेरे निर्मल पवित्र हृदय को वरना तेरे निर्मल पवित्र हृदय को एक थप्पड़ लगाऊंगा। सीधा सीधा बोल। नहीं नहीं, कोई पैसे नहीं दिए। बोलिए अब। सुना सुना प्रभाकर दादा, सुना? अरे अन्ना तो शक्की है। शक तो करेंगे ना बेचारे अन्ना, शक तो करेंगे ना बेचारे। बोले अन्ना, लेकिन उर्मिला वाणी ने कहा था। किस बात का शक? हा? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है हम लोग चोरी करने के लिए आपके घर में घुसे थे? डाका डाका महेंद्र, डाका पूछे डाका। हाँ हाँ हाँ, बताइए, डाका डालने घुसे थे क्या आपके घर में? डाका नहीं, मर्डर मर्डर महेंद्र, मर्डर। हाँ क्या? अरे चुप रहने तू। अगर इनके घर में मर्डर हुआ होता तो ये लोग यहाँ होते, पुलिस चौकी नहीं गए होते। महेंद्र, अब वो वाली बात बता ही देते हैं। बता दे। गायत्री, एकादशी के दिन तेरे तलाक के बाद मैं और महेंद्र महादेव पेट छोड़कर चले जाएंगे। और मेरी एक बात आप ध्यान से सुनिएगा अन्ना भाई। क्या? जीवन तो है शहर छोड़ के जाना, पकड़ टैक्सी पकड़ टैक्सी पकड़ टैक्सी। वाह, नहीं 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 नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, आगे सुनिए। जीवन तो है कैबरे डांसर का पहनावा, फटी मैक्सी फटी मैक्सी। अरे बाप रे, मैक्सी बिक्सी फाड़ने पे आ गए अभी तो। टैक्सी पकड़ना मैक्सी पहनना एक हुए। वाह, एप्पल का सड़ना पीतल का गहना एक हुए। वाह 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 वाह, कविराज वाह। हाँ वाह 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 वाह। हाँ ए प्रभाकर, डूस क्या तू, तुझे जो भी एक करना है कर, लेकिन घर चल के चल। हाँ क्या बोलता है? अरे रियल में छोड़ छोड़। पकड़ो पकड़ो, ऐसे क्या देख रहे हो? अब जाओ ना, अबे आओ ना, आओ ना, जाओ। बस 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 बस, अभी ओ महादेव पेट के लैला मजनू, अभी आउनी हवे जाउनी हवे, अभी बंद करो। गया या, वो चोर गया। आपका क्या है? ए वो मेरे घर में घुस गए बिंदास, और मेरे टेबल पे पड़े हुए गहने लेके भाग गए। अरे पर ऐसे टेबल पे कोई रखता है क्या गहने बीने? जाओ अभी उस तरफ गए, जाओ जल्दी पकड़ो उसे, ये मारेंगे वो। अन्ना अन्ना, पिछले 7 दिनों में तीसरी चोरी है ये महादेव पेट। पता नहीं किसकी नजर लग गई है महादेव पेट को। क्या हो क्या रहा है यहाँ? सत्यानाश हो गया है महादेव पेट का। चोर, धोखेबाज, फरेबी सब आ गए हैं इधर। नहीं उर्मिला, नहीं, हमारे सपनों में जो औलाद थी ना तुझे, उसकी कसम कुछ नहीं बोलेगी तू। हाँ महेंद्र, अब हमारा सपना ही हमारी औलाद बन के रह गया है।
समझ गई अच्छी। थाली गिरेगी, अन्ना बाहर आएंगे और ताऊ अंदर पहुंचेंगे। हाँ, बराबर। लेकिन उर्मिला आंटी की आवाज, वो निकल पाएंगे ना ताऊ की तरह? पता नहीं, लेकिन पता करना होगा आज रात का प्लान अमल में लाने से पहले। थैंक यू आजी। अभी साइंस। एक बार देख के ही आती हूँ इनकी तैयारी कैसे चल रही है। उर्मिला वहिनी ने अगर ताऊ की आवाज नहीं निकाली तो सब गड़बड़ हो जाएगी। वन टू थ्री। मेरी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि तू हमारी परंपरा से भटक गया है मूर्ख। अभी हाल ही में महादेव पेट से आई हुई एक आत्मा ने मुझे बताया कि तू अभिषेक और गायत्री का तलाक करवाने जा रहा है। अरे वाह, एकदम बराबर। वाह वाह उर्मिला वहिनी, चमत्कार कर दिया आपने तो। क्या ताऊ जी की आवाज निकाली आपने हूबहू, एकदम मर्दाना। ज्योत्सना भाभी, ये मर्दाना इसलिए लग रही है क्योंकि ये आवाज निकालने वाला ये मर्द था। मैं कुछ समझी नहीं। अरे तो अभी समझा देते हैं। उर्मिली, जाए दोबारा। वन टू थ्री। बाल कृष्ण, मेरी एक बात याद रखना, अगर अभिषेक और गायत्री का तलाक हुआ तो मेरी आत्मा सदैव भटकती रहेगी। बरोबर। अरे देवा, मतलब आवाज आपकी और शक्ल उर्मिला बहने की। बिल्कुल। अरे उर्मिला से ताऊ जी की आवाज ठीक से निकल नहीं रही थी इसलिए फिर मुझे मैदान में उतरना पड़ा। और आप क्या मैदान में उतरे महेंद्र बाबू, मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपके बोलने में और उर्मिला वहिनी के होठ हिलाने में कहीं कुछ 19-20 का फर्क आ गया तो? मतलब आवाज और होठ हिलाना मैचिंग नहीं हुए तो? अरे ज्योतिंद्रा बेन, अब आवाज की मैचिंग की बात कर रही है। इतने सालों से साथ है हम और इतने सालों से ये मेरा खून पी रही है कि अब तो हमारा ब्लड ग्रुप भी मैच हो रहा है। अच्छा, तो इस बात पे हो जाए आइसक्रीम। चलो चलो। अरे आइसक्रीम आइसक्रीम किधर है तू? है ना, आइडिया सॉलिड निकला। अरे एकदम सॉलिड। अरे आइसक्रीम लीजिए। अरे उर्मिला वहिनी, आप मत खाइए। क्यों? अरे आपकी आवाज बैठ गई तो? पर मुझे कौन सी आवाज निकालनी है अभी? अभी तो महेंद्र की आवाज है ना। बस बस, खम्मा खम्मा। लगता है आपको कोई याद कर रहा है। अन्ना भाई के ताऊ जी होंगे। हाँ, हमारा आला ग्रांड अभिनय देखकर ऊपर बैठे बैठे दांत दे रहे होंगे हमको। तो चलिए फिर, आज रात को ताऊ जी की आत्मा का मिलन करवाते हैं अन्ना भाई से। तो आज रात 12:30 बजे आप पीछे वाली खिड़की से अंदर आ जाइए। मैं सही वक्त पे आपको मैसेज कर दूंगी। डन डन डन। बस अमन। अरे ये देख अमोल, रात के 11:45 बज गए बाड़ा। हमारे महादेव पेट में दिन दहाड़े चोरियां हो रही है। और ये दरवाजा देख, देख दरवाजा देख। देख लिया, मस्त है दरवाजा। अरे बाड़ा, दरवाजा निहारने को नहीं बोल रहा हूँ, जाके बंद करके आ। अच्छा ठीक है। अरे ये तो बाहर जाके बंद कर रहा है। हाँ तो रोकिए अमोल को। बुलाओ बुलाओ, अन्ना को बुलाओ, फिर वो शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं प्रभाकर नुस्किया, मैं तो अमिताभ जी को रोकने की बात कर रहा हूँ। वो और जया वहिनी आए ना महादेव पेट में हमारे पड़ोसी बन के। कल तो ऐश्वर्या भी आई थी बर्फ मांगने। किशोर दादा, ये देखो मैंने दरवाजा बंद कर दिया। ए बका,
तू दरवाजा खोल के अंदर आ। नहीं, मुझे चोर पकड़ना है मालूम। मैं ना जिम्मेदार आदमी हो गया हूँ अभी। मैं ना अभी उधर उधर ऊपर अपनी बालकनी में खड़ा रहकर चोर पे निगरानी रखूंगा। आई, आई, तू कहाँ थी? मैं वो उर्मिला वहीं के यहाँ थोड़ी गई थी। मैं ऐसा कब बोला?